स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने दाम आज जकी अरदास है, सकल संत प्रणाम। ग्रीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं, हम अपने पिता को भूल कर किसी अन्य से वो सुख वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था और वो यहाँ आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए, लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1,000 रुपये के नोट को पकड़कर पाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे, वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सत्र के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त करने में वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहाँ आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है, वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार सबका पालक ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहाँ से सह शरीर चलकर आता है। यहाँ नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं संत उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से
हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वह कबीर देव मिले, वह कबीर साहब मिले, अल्लाहु अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए जहाँ भगवान रहता है और जहाँ हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहाँ गलत स्थान पर आके गिर गए और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जा लेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया, और जिन्होंने भगवान को देखा परमात्मा को देखा उन्होंने वही बताया, और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था, और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए इनने भी वही बताया था।